गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज संडे है तो आप कपड़े धोने जा रही हूँ मैं। सुबह लेट उठे थे 9 बजे, तो उस टाइम कपड़े धोने जा रही हूँ और मम्मी पापा गेहूँ साफ कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, गेहूं भी साफ कर दिए और सुखा भी दिए। ये मम्मी पापा लगे। हेलो करो मम्मी। हेलो हेलो पापा, हो गए पापा गेहूं साफ? बिल्कुल, मैं अभी बना के लाती हूँ चाय। हाँ देखो गाइस, गेहूं साफ भी कर दिए और सुखा भी दिए। कितनी अच्छी छत बना रखी है पापा ने। लगे रहते हैं पापा भी पेड़ पौधों में। कितने सही हो गए, पहले सूख गए थे ये पौधे, अब इतने सही हो गए, बड़े भी हो गए, काफी पत्तियां भी आ गए। चलो गाइस, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ओके बाय। ओके बाय। चाय बनाने, तो मम्मी पापा गेहूं साफ कर रहे हैं, तो मैंने मम्मी ने बोला चाय बनाने के लिए। चाय भी जरूरी होती है काम के साथ साथ, तो आप चाय बना के फिर ऊपर ले जाऊंगी। पूरी दिखाना, ऊपर की दिखाना पूरी। तो आप चाय बना के ऊपर ले जाऊंगी। सही में मम्मी पापा बहुत काम करते हैं और मम्मी के हर काम में पापा का साथ जरूर होता है। पापा जरूर हर काम में मम्मी की हेल्प करते हैं, चाहे वो कपड़े धोना हो, गेहूं साफ करना हो, सब चीजें A to Z काम करते हैं पापा। यहाँ तक कि सुबह भी उठ जाएंगे पापा, पहले पापा ही उठते हैं, सब्जी वब्जी छोंक देंगे, रोटी भी बना देंगे, मतलब जो जो लंच ले जाने वाले मैं हूँ, हस्बैंड है, मेरा बेटा है, A to Z काम करते हैं। बहुत अच्छे ससुर हैं, शायद लाइफ में ऐसे ससुर कभी ही नहीं मिलने होंगे किसी को। तो अभी मैं चाय ऊपर ले जा रही हूँ। ओके, चाय बन चुकी है, अब मैं चाय ले जा रही हूँ। गाइस, आप लोग भी चाय पी लीजिए। हमारे तो 1-2 बजे तक चाय पीते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। पहाड़ी लोग हैं ना, तो चाय ज्यादा पीते हैं। चाय पी पी के हम काम करते हैं। गेहूं साफ करना भी गाइस पता है कितनी मेहनत का काम है, मैंने कभी आज तक नहीं किया। शुरू से मम्मी पापा ने गेहूं साफ किया है, क्लियर बता रही हूँ। बस मैं छोटा मोटा काम कर देती हूँ, हल्का फुल्का। गर्मी भी हो रही है, गर्मी में कर रहे हैं काम, तो क्या करूँ, कर देते हैं। चलो गाइस, मैं चाय बना रही हूँ। अब गाइस देखो, बारिश भी होने लगे, वो भी साफ हो गए हमारे, और गेहूँ भी साफ हो गए। अब रहेगा खाना बनाना, मौसम भी अच्छा हो रहा है। नीचे टीवी देख रहे हैं, गिरना मत वापस में। मम्मी नहीं गिरती, वो क्या गिरे? लो चाय ले लो। तो गाइस, अब मेरे कपड़े धुले 2:30 बजे। संडे का काम ऐसे ही होता है, लेट उठते हैं, लेट काम। गाइस, आप लोग भी तो संडे को ऐसे ही करते हैं, लेट उठना, लेट काम। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है संडे के दिन, मैं बहुत आराम आराम से काम करती हूँ संडे को। ऐसे तो कपड़े मेरे 12 बजे धुल जाने चाहिए, पर मैं धो रही हूँ 2:30 बजे। पहले अपने बेटे को नहलाया, नहलाने के बाद थोड़ा मोबाइल देखा, रील बनाई, उसके बाद फिर आई छत पे, फिर कपड़े धोने आई, कपड़े मशीन में लगा दिए।
देखो गाइस बारिश भी होने लगे, ये देखो ये देखो इतनी बारिश होने लग जा रही है, कभी ब्रेक देख देख के बारिश हो रही है, बट मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ना गर्मी ना ज्यादा सर्दी। हमने सोचा ऊपर ये बाहर बारिश आ रही है, कपड़े गीले हो जाएंगे, कमरे में ही डाल देते हैं, तब जाके मैं कमरे में कपड़े सुखा रही हूँ। कपड़े आजकल सूख नहीं रहे ना, कपड़ों में धूप लगती है, ठीक से